हेलो दोस्तों, घर पे सिर्फ अंडे पड़े हैं और समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मेहमान आ गए हैं और सिर्फ 10 मिनट टाइम बचा है, ना बाज़ार से मंगा सकते हैं और इतनी जल्दी तो कोई बेहतरीन रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो घर पे अगर आपके पास पड़े हैं सिर्फ 4 अंडे और 10 मिनट, तो मैं आपको बताने वाली हूँ आप किस तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट अंडे की सब्ज़ी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। इस अंडे की डिश को मैं कहती हूँ अंडे का चोपा। अगर आपके पास कोई और बेहतरीन नाम है तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गरम कर लेंगे और कढ़ाई जब गरम हो जाए तो करीबन 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर रिफाइंड तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो सरसों का तेल या और कोई तेल जो आप खाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इस तरह की सब्ज़ी बनाएं तो हमेशा मोटे तले का बर्तन यूज़ करें, जिसका जो बॉटम होता है वो हैवी होता है। इस तरह के बर्तन में जो खाना होता है वो जलता नहीं है और बहुत ही आराम से बन जाता है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें मैं डालूंगी करीबन 2 से 3 कटे हुए प्याज, और इन प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। प्याज भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा वाइट कलर का भी प्याज होता है और रेड कलर का भी प्याज होता है। मार्केट में हमें जो भी मिलता है हम वो घर ले आते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो वाइट वाला प्याज होता है वो एक्चुअली सैलेड पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, एंड जो रेड वाला प्याज होता है वो हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो रेड वाले प्याज होते हैं वो खाने में मीठे होते हैं तो उनका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा निकल के आता है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रेड वाले प्याज, और आप चाहें तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। करीब 2 से 3 मिनट हम प्याज को पकने देंगे, और जब प्याज थोड़े से पक जाएँ तब हम इसमें डालेंगे कटी हुई मिर्च। मैं यहाँ पे 2 से 3 कटी हुई मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं, या आप बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और मिर्च का ऐसा होता है, अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप अगर उसे कूट के या पीस के डालेंगे तो सब्ज़ी और भी ज़्यादा तीखी हो जाती है। अब मैं इसमें डालूँगी कटी हुई शिमला मिर्च। मैंने करीबन 1 शिमला मिर्च का यूज़ किया है। अगर आपके घर में शिमला मिर्च नहीं है या आपको शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। शिमला मिर्च जो है वो आपके सब्ज़ी में एक मीठा सा स्वाद लेके आता है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पर अगर आपको शिमला मिर्च का स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसे साथ के साथ हमने चलाते रहना है, वरना शिमला मिर्च और प्याज जो हैं वो जल जाएंगे। और जो आँच है वो मैंने मीडियम पर रखा हुआ है, ज़्यादा तेज करके अगर आप चलाएंगे तो इसके जलने के ज़्यादा चांसेस होंगे और ये बहुत जल्दी पक करके ख़राब हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल धीरे धीरे आंच पे इसे हल्का गोल्डन भूनना है। अब ये प्याज और शिमला मिर्च पक चुके हैं, इस वक्त हमें इसमें टमाटर डालना है। मैंने करीबन 2 टमाटर यूज़ करे हैं मीडियम साइज़ के, उन्हें अच्छी तरीके से कट कर लिया है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है। टमाटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक छोटे साइज़ का टमाटर होता है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, उसे हम देसी टमाटर कहते हैं। वो वाले टमाटर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे थोड़े मोटे साइज़ के टमाटर जो कि बड़े होते हैं दिखने में और वो थोड़े से मीठे होते हैं, और वो वाले जो टमाटर होते हैं वो सब्ज़ी की ग्रेवी बनाने के लिए काम आते हैं। तो मैंने यहाँ पर वो वाले टमाटर यूज़ किए हैं, आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जब टमाटर पकने लगे तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे साथ के साथ चलाते रहना है, आंच अभी भी मध्यम आंच पे रखा हुआ है मैंने। और जब इसमें से धीरे धीरे तेल छोड़ने लगे तो इसका मतलब ये है कि टमाटर जो है वो पकने शुरू हो चुके हैं। करीब 5 से 10 मिनट इसे हम और पकने देंगे, और देखिए ये किस तरीके से पक करके तैयार हो चुके हैं और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसी तरीके से ग्रेवी बना के आप दूसरी तरीके की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और पका लेते हैं। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी डालने से जो मसाले हमने डाले हैं वो सारे के सारे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे और वो अच्छी तरीके से प्याज के अंदर घुल जाएंगे। तो हल्का सा पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके छोड़ देंगे और हमारा जो मसाला है वो फिर वो बन करके तैयार हो जाएगा। ग्रेवी बन करके तैयार है, इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें अंडे।
मैं करीबन 4 अंडे यूज़ कर रही हूँ। अंडे भी अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे वाइट एग आता है एंड ब्राउन एग आता है, तो आप इसमें कोई भी अंडे का यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल जो मार्केट में मिल जाते हैं वाइट अंडे, वो वाले यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से इसको एक एक करके ग्रेवी के अंदर हम फोड़ देंगे। इस रेसिपी में आपको अंडों को पहले से उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडों को उबालने में करीबन आधा घंटा टाइम तो वेस्ट हो ही जाता है, और हम अंडे की सब्ज़ी बनाना सिर्फ इसीलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो अंडों को उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप ग्रेवी में डायरेक्टली इसे फोड़ के डाल देंगे तो ये आराम से 5 से 10 मिनट में पक करके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे अंडे जो हैं वो ग्रेवी में तोड़ दिए हैं। इसमें मैं कटे हुए धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। ऐसा करने से ये जो सब्ज़ी है ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आपके पास धनिया का पत्ता नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे, और आप चाहे तो इसे ढक कर के भी पका सकते हैं या खुले में भी पका सकते हैं, पर अगर आप ढक कर के पकाएंगे तो ये और भी जल्दी पक कर के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं, इन्हें हम चेक कर लेते हैं ये पके हैं या नहीं। आप करछी से इस तरीके से टच करके चेक कर लीजिए, अगर ये बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है मतलब ये पक कर के तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और ये इतनी आसानी से झटपट से बन कर के तैयार हो जाता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको। अब आप सोच रहे होगी इसे खाना किसके साथ है, तो आप इसे रोटी या फिर चावल के साथ भी खा सकते हो, और इसे अगर आप ब्रेड के साथ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की तरह खाओ तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो चलिए ये तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे कटोरे में एक एक करके निकाल लेंगे। तो लग रहे हैं ना दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस रेसिपी को देख के किस किस के मुंह में पानी आ गया, और कौन कौन ये वीडियो देखने के बाद फटाफट जा करके इसे अपने किचन में ट्राई करेगा और ख़ुद भी खाएगा और अपने घर वालों को भी खिलाएगा। तो मानिए दोस्तों ये वाली रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है। तो इस तरह की और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी को शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में इसी तरह की बेहतरीन और टेस्टी रेसिपीज़ लाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।